का तो दिन ही खराब है सच में। शॉपिंग स्टिचिंग स्टिचिंग शॉपिंग। हेलो गाइस, दिस इज सान्या वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल ड्रीमी सान्या व्लॉग्स। होप यू आर गुड। आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग एंड इट्स 16 डेज टू ड्रीमी वेडिंग। ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ रह गए। एक्साइटेड एंड नर्वस टू, क्योंकि काम कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई डोंट नो कैसे होने वाला, देखते हैं। आज काफ़ी सारे काम निपटाने हैं। एक तो मेरे सूट्स दो रह गए हैं, उन्हें आज टच करना ही करना है। सेकेंड थिंग इज मुझे मेरे क्लच का ऑर्डर देना है जो मैं वेडिंग में कैरी करने वाली हूँ। एंड इसी तरह के और बहुत काम है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नहा के आ चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट टाइम है, सफाई वगैरह हो चुकी है और कपड़े भी मम्मी ने वॉश कर लिए हैं। सो अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलती हूँ। टाइम हो गया है 11 बजे का, ब्रेकफास्ट हो गया है एंड मैं आ गई हूँ ऊपर स्टिचिंग करने। आप लोगों को व्लॉग में स्टिचिंग 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 दिख रहा होगा क्योंकि मेरी वेडिंग प्रिपरेशन में स्टिचिंग ही है। शॉपिंग है फिर स्टिचिंग है, स्टिचिंग है फिर शॉपिंग है, शॉपिंग स्टिचिंग स्टिचिंग शॉपिंग। सो फिलहाल डिस्कशन हो रहा है लाइनिंग्स का। जो लास्ट सूट्स रह गए हैं उनकी लाइनिंग मंगा लूँ। एक तो मेरे दिस हल्दी आउटफिट की लाइनिंग चाहिए एंड मम्मी का एक सूट है येलो कलर का, उसकी लाइनिंग एंड एक पैरट ग्रीन लाइनिंग। सो मम्मी जा रही है लाइनिंग लेने, तो मैं कलर दे दूँ मम्मी को, फिर हम स्टिचिंग पे बैठते हैं। बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना है। लाइनिंग है ये, इतने ये कट रखी है स्कर्ट, इसकी स्कर्ट बनानी है एंड इसके हेम में ये बुकरम लगानी है सो दैट थोड़ी सी ना फ्लफी फ्लफी रहे। तो चलिए पहले स्टिचिंग कर लेते हैं, थ्रेड चेंज करना। इन नेल्स के साथ निडल में थ्रेड डालना इज सो डिफिकल्ट। बन गई है, नीचे फ्यूजिंग भी लग गई है और इसका वेस्टमेंट रह गया है बस। और मम्मी कर रही है सारे सामान की सेटिंग क्योंकि मेरे सारे सूट्स हॉच पॉच हो रखे हैं, तो उन्हें एक जगह लगाया जा रहा है पैक। ये लेसेस लगा रही थी मैं ड्रेसेस पे एंड मैं थक गई, थोड़ा सा नेक में पेन होने लग गया तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया। अब थोड़ी देर लेट रही हूँ और कोकोनट वाटर पी रही हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के बाद करते हैं, बहुत पेन हो रहा है। तो अभी मशीन से उठे थे, मम्मी आज काफ़ी टायर्ड है क्योंकि कपड़े भी धोए एंड सफाई भी मम्मी ने करी, तो मम्मी रेस्ट कर रही थी एंड इसी बीच पापा आ गए लंच के लिए क्योंकि टाइम हो गया 1:30 का। सो पापा ने बोला, क्योंकि सब्जी नहीं बनाई थी लंच के लिए, तो पापा कह रहे मैगी बना लो। तो अभी मम्मी गई है मैगी लेने एंड मैं प्याज टमाटर काट लूँ, फिर दोनों मिलके फटाफट बना लेंगे, फिर सारे रेस्ट करेंगे। ये है मैगी एंड ये प्याज टमाटर और क्या मटर काट दिए हैं, हरे मिर्च काटनी है, मतलब मटर छील दिए हैं, मटर काटते नहीं मटर को छीलते।
कॉफ़ी बना के ऊपर चली गई है। मैगी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, सिर्फ पानी सूखना बाकी है। दिखा देती हूँ, इतनी यम्मी खुशबू आ रही है, पर मैं नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में ना आज मैंने अमूल बटर के साथ पराठे खाए हैं, तो अब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी तो नहीं खाने वाली हूँ, शाम को देखती हूँ, अगर थोड़ी सी ले ली तो। अभी थोड़े टाइम का गैप रखने वाली हूँ सो दैट खाना पहले वाला तो डाइजेस्ट हो। योगी ये रेडी, एंड पापा साथ में केचप लेते हैं, ये ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप में से कौन कौन ये करता है कि जब बॉटल खाली होने वाली हो तो पानी डाल के और अच्छे से निकाल कढ़ाई लेके ऊपर जा रही हूँ, मम्मी बर्तन ले गई है ऊपर तो डाल लेंगे। तो काफ़ी देर रेस्ट कर लिया है, धूप में लेटो ना तो और ज़्यादा लेजीनेस आ जाती है। अब मम्मी स्टिचिंग कर रही हैं, सलवार स्टिच कर रही हैं, और मैं आई हूँ नीचे चाय बनाने। बना ले चाय, यहाँ चाय बन रही है और यहाँ टोस्ट बन रहे हैं, क्योंकि लंच में मैगी खाई थी तो थोड़ी सी भूख लग जाती है स्नैक टाइम में। आलू गाजर की सब्जी वाले टोस्ट, ये चाय और सैंडविच दोनों रेडी हैं, ऊपर लेके चलते हैं चाय पी के फिर स्टिचिंग पे दोबारा बैठना है। तो टाइम हो गया 6 बजे का, वीडियो अपलोड करना मैं आज भूल गई, मतलब एडिट करके रख दी थी सुबह से, पर कुछ मन भी नहीं किया और कुछ दिमाग भी नहीं किया उस साइड। तो अब पहले वीडियो अपलोड कर दूँ, उसके बाद बाकी काम करते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अभी फिर से स्टिचिंग करके आई हूँ, चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद फिर से स्टिचिंग की। आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं बोलती बोलती हूँ स्टिचिंग दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस ना ऐसे डिज़ाइन हो रही हैं जिनकी मैं स्टिचिंग स्टोरी अलग से डालना चाहती हूँ, इसीलिए उनकी क्लिप यहाँ नहीं डालती हूँ। वो शूट हो रहा है पर वो अलग से आएंगे, और कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैं आपको पहन के ही दिखाना चाहती हूँ, आधी अधूरी ऐसे नहीं दिखाना चाहती, सरप्राइज एलिमेंट ना, तो इसीलिए मैं दिखाती कम हूँ, सिर्फ बता देती हूँ कि इतने से इतने घंटे में मैं स्टिचिंग कर रही थी। का तो दिन ही ख़राब है सच में, अभी मैं किचन में बर्तन जोड़ रही थी तो कैबिनेट में मेरी उंगली आ गई, इतना दर्द हो रहा है ना इसमें, ये जो 3D फ्लावर बना हुआ है इसमें क्रैक आ गया है और ये इतना ज़्यादा पेन कर रहा है, आई थिंक इसमें नील डला होगा डेफिनेटली, नाखून के नीचे अभी तक पेन हो रहा है। आई थिंक 40 मिनट्स हो गए हैं, 40-50 मिनट्स। चलो अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ फिर मिलती हूँ। सो आज का काम कंप्लीट हो गया है, मैंने कुछ थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये पैच लगाए थे। ये पैच लगाने थे, ये देख लिए ना आपने, बस इतना ही दिखाऊंगी। तो ये पैच लगाए हैं, इसमें मैं काफ़ी टाइम लग गया, और अब जा रही हूँ नीचे, देन सोना है, और यहीं पे एंड करते हैं आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे एक ब्रांड न्यू व्लॉग में बहुत ही जल्द कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। टाइम 10 बजे का है, बिग बॉस आ रहा है, मैं बिग बॉस देख लूँ। बाय।